साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार जन सरोकार मंच का बहुत बहुत आभार, साथियों आपका भी आभार हमें सुनने के लिए। अचर्चित कवियों व साहित्यकारों को मंच प्रदान करने के लिए मैं एक अच्छी मुहिम समझता हूं जन सरोकार मंच की, और इसका स्वागत होना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं दूर दराज में बैठे लेकिन बेहद प्रतिभावान दोहेकार लघु कथाकार सुवेश यादव जी से। सुवेश यादव आप जरा मुखातिब होइए हमसे और हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी 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 सुवेश जी, अपना परिचय बताइए। हाँ, मेरा नाम सुवेश यादव है और मैं कानपुर जिले के एक छोटे से गांव नरवल तहसील के अंतर्गत है शिशुपुर गांव में रहता हूँ। जी। और जी। करीब 25 साल हो गए मुझे साहित्य साधना करते हुए। जी जी जी। आपकी शिक्षा? मैं केवल 12वीं तक पढ़ा हूँ सर जी। आप कहाँ जन्मे हैं वैसे? मेरी उम्र 43 साल की है और मेरा जन्म फतेहपुर जिले में एक छोटा सा गांव है नामा मऊ, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ और मेरी परवरिश भी वहीं पर हुई। अच्छा, तो ननिहाल में हुई? ननिहाल में मेरी परवरिश हुई, नाना जी थे मेरे और उन्होंने मुझे रखा और 2 या 2.5 साल की उम्र थी तो वो मुझे ले गए यहाँ से, और मेरी जो शिक्षा हुई 12वीं तक की शिक्षा तो वहीं पर हुई। अच्छा, और आपका जो आजीविका है जो आपकी, वो क्या है सर? मैं खेतीबाड़ी करता हूँ, थोड़े से खेत हैं और इसके अलावा प्राइवेट टीचिंग करता हूँ, छोटे बच्चों का स्कूल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत बढ़िया। और ये जो कीड़ा था, मतलब साहित्यिक कीड़ा जो, मतलब ये कैसे उपजा? और ये एक चीज बताइए मुझे कि साहित्य आज के दौर में बड़ा कठिन विषय हो गया है साहित्य, और आप उसको कैसे रेखांकित करेंगे? आप कैसे जुड़े इससे, साहित्य से प्रेरणा स्रोत कौन रहा है आपका? मैं जैसा कि मैंने को पहले भी शायद बताया नहीं बताया, तो मैं ननियाल में रहता था, तो मेरे नाना जी के पास में कुछ मवेशी थे, भैंसे थी, तो मैं स्कूल भी जाता था और मुझे काम भी करना पड़ता था, जानवरों को चराने की जिम्मेदारी थी मेरी, तो भरपूर समय मिलता था मुझे, तो मैं वहाँ पर जो भी मुझे मिल जाता था साहित्य के नाम पर, पता नहीं कहाँ से मुझे ऐसा लगा कि या ग्लैमर कहिए साहित्य का, मैंने पाठ्यक्रम में पढ़ा था, प्रसाद को पढ़ा था, निराला को पढ़ा था, मैंने प्रेमचंद को पढ़ा पाठ्यक्रम में, तो मैं 10वीं कक्षा में था, तो साहित्य का एक ग्लैमर होता है, तो मुझे भी लगा कि अरे ये जो लोग लिखते हैं तो मैं भी लिख सकता हूँ, ऐसा क्यों नहीं लिख सकता हूँ, तो सबसे पहले पढ़ने की ललक जागी मेरे अंदर। तो अब ये कहिए कि आप साहित्य के नाम पर कहीं भी कुछ भी मुझे मिलता था तो मैं उसको सहज कर रख लेता था, जैसे कोई अखबार में कोई अखबार का टुकड़ा मिल गया, उस पर कोई कहानी छपी हुई, कोई लेख छपा हुआ है, कोई कविता छपी हुई है, मैं उसको कई कई बार पढ़ता था। और फिर मुझे समय रेडियो का चलन था, नाना जी के पास रेडियो था, तो मैं रेडियो में कार्यक्रम सुना करता था, कुछ सामाजिक सरोकारों का कार्यक्रम उसमें आते थे तो मैं उनको सुनता था, और उस पर लोग पत्र भी भेजा करते थे तो मैंने उसका पता नोट किया, और मुझे लगा कि अपनी बात भेजने के लिए ये सबसे बढ़िया माध्यम है। शुरुआत वहीं से हुई, मैंने पत्र आकाशवाणी के पते पर पत्र भेजना शुरू किया, अपनी बात भेजी कुछ कार्यक्रमों में, गाने नहीं सुनता था मैं, फिल्मी गाने नहीं सुनता था ना के बराबर, मैं कुछ कार्यक्रम आते थे जैसे युवाणी हो गया और कुछ साहित्य के कार्यक्रम भी कभी कभार आते थे, तो मैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया भेजता था, तो विविध भारती से भी जुड़ा तो उस पर भी भेजा मैंने, तो पत्रों के जवाब भी आने शुरू हुए तो मेरा उत्साह बढ़ा, तो मैंने पत्र कविता की शैली में भी लिख के भेजे कुछ, तो उस समय एक कार्यक्रम आता था लखनऊ से होता था, तो उस पर श्रोताओं को प्रोत्साहित करने के लिए वो लोग सर्वश्रेष्ठ श्रोता चुनते थे, तो मुझे भी सर्वश्रेष्ठ श्रोता चुना गया, मुझे 200 या 250 की याद है कुछ चेक मिली,
वो चेक बाद में उसका पैसा भी नहीं मिला क्योंकि मेरे बैंक में कोई अकाउंट नहीं था, वो चेक बेकार हो गई। कई बार मिली, दो तीन बार मिली, बाल वर्ग का, युवा वर्ग का वो पुरस्कार। तो मैं पत्र बराबर लिखता रहा आकाशवाणी के लिए। फिर तो, बहुत अच्छा सुरेश भाई, आपकी हल्की सी बात रोकी जा रही है क्योंकि समय बहुत कम कीमती है और कम है, एक घंटा है। तो मैं बाद में होगी ये बातें, फिलहाल मैं साहित्य पे आपके जो साहित्य का आपका फलक रहा है वो आपने बताया है कि मैं जो है रेडियो से और क्या नाम रेडियो से ही माध्यम रेडियो बना से है, और रेडियो से और इसके अलावा एक बिंदकी कस्बा होता था मेरे ननिहाल के पास में, जहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म हुआ है। तो जी जी जी, जी। सोहनलाल द्विवेदी वहीं के हैं और मैं वहाँ जाता था। तो एक 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 कबाड़ी की दुकान थी, तो जी जी जी, वहाँ वहाँ मुझे कुछ साहित्य किताबें दिखी क्योंकि मेरे अंदर ऐसा था कि साहित्य के नाम पर जो कुछ भी मिले मैं उसको पढ़ूं। तो वहाँ उस रद्दी उस कबाड़ी के पास में जो भी किताबें मुझे मिली, मुझे कबाड़ी के पास में जैसे शिवानी की किताबें मिली, कथाकार शिवानी की किताबें मिली, कुछ ओशो की किताबें मिली, संत दार्शनिक संत होते थे ओशो, तो ओशो की किताबें पढ़ी मैंने। प्रेमचंद की कुछ किताबें मिल गई तो वो आधे रेट में किताबें दे देता था, तो मैं वो किताबें ले आया और यहाँ नाना जी के यहाँ करके भैंस चराते समय पूरा समय होता था तो मैं उनको वहीं पर जंगलों में खेतों में पढ़ा करता था। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सुरेश यादव जी, आप बता रहे थे कि साहित्य का ग्लैमर, ग्लैमर आजकल तो फिल्मों का है और मेरे ख्याल से खेल का है ना, वो मीडिया का, ग्लैमर में तो बहुत आ गए हैं आजकल, लेकिन साहित्य का ग्लैमर वाली जो बात है आजकल तो बहुत आपको पता ही होगा कि साहित्य को लेकर क्या होता है ना, सोच लोगों की कैसी है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि साहित्य का ग्लैमर आपको प्रभावित कर गया है ना? तो हमको भी कर गया था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि साहित्य का ग्लैमर जो आपको ये शब्द आपने जो व्यक्त किए हैं तो वो कैसे दिमाग में आया कि ये साहित्य एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है और बहुत अच्छा काम कर सकती है और समाज में जा सकती है, जबकि फिल्मों का जो काम है वो भी समाज में जा रहा है, ग्लैमर तो वो भी है, लेकिन साहित्य का ग्लैमर जो जो शब्द आया है उसका एक थोड़ा सा विवरण अगर वर्णन करें तो मुझे अच्छा लगेगा और श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। दरअसल मैं स्वभाव से बहुत ही कम बोलने वाला था, मेरे मित्र भी बहुत कम थे, मुश्किल से मुश्किल दो चार मित्र रहे होंगे, तो मैं अपनी बात कहने के लिए मेरे पास कोई माध्यम नहीं था, तो सबसे जरूरी चीज ये थी कि मैं अपनी बात कैसे कहूँ, तो मैं लिख करके मुझे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता था लिखने से, और फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मुझे ये लगा कि मैंने शुरू शुरू में ये मैंने दूसरों से प्रभावित हुआ, मैं प्रेमचंद से प्रभावित हुआ या नीरज जी से प्रभावित हुआ, गोपाल दास नीरज जी से, तो उनकी तरह लिखने का प्रयास किया, धीरे धीरे ये लगा कि अरे नहीं, मैं जो कुछ हूँ, मैं मेरा अस्तित्व क्या है, मैं जो हूँ वही लिखूं, ठीक है, मेरे बहुत रचनाओं में मेरा अक्ष दिखना चाहिए, तो बहुत अच्छा ये, हाँ बहुत, वैसा कुछ मैंने प्रयास किया है और बहुत 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 जी, तो लिखना जी, मेरे लिए एक जिसको आत्म संतुष्टि होती है उसका एक वो रहा है, और बहुत बढ़िया। जब शुरू शुरू में ऐसा लगा था मुझे, शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं फुल टाइम साहित्यकार बनूंगा, क्योंकि ऐसा मुझे लगा था कि साहित्य की दुनिया में मैं अच्छा लिख करके अच्छा कमा भी लूंगा, आजीविका भी कमा लूंगा, लेकिन धीरे धीरे मालूम हुआ कि नहीं, हाँ कुछ और ही है ये हिंदुस्तान है प्यारे, है ना जी, यहाँ पे तो नहीं हो पाता इस तरह का। चलो खैर, अभी हम आपसे जो मुखातिब हो रहे हैं आपके आपके दोहों से और आपके लघु कथा से, क्योंकि आप में बहुत ही बेहतरीन टैलेंट है, और मैं आपको ये भी मानता हूँ कि माटी का लाल अगर कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो खैर हमारे श्रोताओं को अपने जो दोहे हैं है ना जी, पहले उनसे अवगत करवाइए जी। कुछ
दोहे तो बहुत हैं मेरे पास और बिखरे हुए हैं। नहीं, जो आपने लिख रखे हैं, जो लिख रखे हैं वो सुना दीजिए। 10-20 दोहे तो आपको सुनाने पड़ेंगे। हाँ हाँ, सुनाइए। देखिएगा, जीवन भर लड़ता रहा, बेचा नहीं जमीर। जीवन भर लड़ता रहा, बेचा नहीं जमीर, बदहाली में मर गया सबसे बड़ा अमीर। क्या बात है, क्या बात है। बदहाली में मर गया सबसे बड़ा अमीर जी। और देखिएगा, सुनाइए दोस्त। मेरे दर्जी से जरा ऐसी नई कमीज, मेरे दर्जी से जरा ऐसी नई कमीज पहनू तो दुनिया कहे आई मुझे तमीज। पहनू तो दुनिया कहे आई मुझे तमीज। मुट्ठी का जुगनू मरा, शोक करूं या जश्न। मुट्ठी का जुगनू मरा, शोक करूं या जश्न। राजमहल की रोशनी से मेरा यह प्रश्न। राजमहल की रोशनी से मेरा यह प्रश्न। आखिर कब तक वो सहे अरमानों का खून। अरमानों का खून बारिश क्यों माने भला, क्यों माने भला छतरी का कानून। जी 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 जी। आपने आखिर कब तक वो सहे अरमानों का खून, बारिश क्यों माने भला छतरी का कानून। जी जी, है ना। इतनी गहराई ये कहाँ से आई? मैं बता रहा हूँ कि अक्सर मैं अभी भी वैसा ही हूँ जैसा बचपन में था। मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश किया कई बार। मैंने सोचा कि मैं भी औरों जैसा बनूं और खूब व्यवहार कुशल बनूं, अपने अंदर और सारी चीजें लाऊं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है और मुझे लगता है अब। तो मैं बहुत सारी चीजें मेरे साथ होती रहती हैं, बहुत सारे लोगों का, कुछ लोगों का सपोर्ट मिलता है, कुछ लोगों से बड़ा मुझे समस्या भी होती है। तो मैं उन बातों को और अपने अंदर जो भी फीलिंग्स हैं उनको मैं दोहों के माध्यम से या गजल के माध्यम से या कविताओं अपनी रचनाओं के माध्यम से मैं कागज में उकेर देता हूँ। बस वही है, और क्या है उसमें गहराई है या नहीं मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसे पढ़ने वाले जाने सुनने वाले जाने। जी जी जी, मतलब आपको जो समाज है, समाज को देखने का जो आपका नजरिया है ना जी, वो अगर देखा जाए तो बहुत ही आप चाहते हैं कि समाज उस तरह का होना चाहिए, है ना, बहुत अच्छा होना चाहिए या बहुत मृदु भाव समाज में होना चाहिए, लेकिन खट्टा मीठा सबका होता है। लेकिन आपके पास जो, हाँ, आपके पास एक जरिया है अभिव्यक्त करने का, तो जो जरिया है उसके तहत आप ये काम कर रहे हैं, है ना। समाज में अलग जगाने का भी आप काम कर रहे हैं। तो आप मुझे एक बताइए कि कबीर दास के जो दोहे हैं जी, उनको हमने भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है जी, और आपके भी दोहे हैं, है ना। वो तो बहुत पुराने, मतलब कई सौ साल पुराने वाली बात है उनकी जी, जी। लेकिन उनके दोहे आज भी सक्सेस हैं, आज भी उनका डंका बजता है, है ना जी, जी। और ऐसे में आजकल दोहे बहुत लिखे जा रहे हैं, आपको पता होगा जी जी। देखिए निदा फाजली से लेके मैं उर्दू के निदा फाजली हूँ, उनके भी दोहे मैंने, और ये और भी लोग हैं, मेरे याद नहीं आ रहे, दिमाग में नहीं है अभी, आपके पास उनकी सूची भी होगी। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कबीर दास के बाद जो पीढ़ी आई है, धीरे 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 चलते 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 बिहारी ने भी लिखे हैं, है ना। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि दोहे पहले से ज्यादा लिखे जा रहे हैं? दोहे लिखे जा रहे हैं, परिमाण अधिक है, मात्रा अधिक है दोहों की, लेकिन जो बात कही जानी चाहिए मेरे हिसाब से वो कम लोग कह पा रहे हैं अभी, और उन पर, दोहों पर प्रभाव कुछ और लोगों का प्रभाव ज्यादा दिखता है, मतलब एक दोहराव की स्थिति जो है वो अधिक है। वो है यानी कहना चाहिए कि दो लाइनों में पूरा का पूरा
उपन्यास या एक कहानी कही जा सकती है अगर वो अभ्यक्त करने का ढंग और भाव अच्छे हों। जी जी बिल्कुल। चलो तो मैं अब आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि दोहे में और जैसे कि आप लघु कथा लिखते हैं, लघु कथा में, गीत में, गजल में क्या कितनी कितनी समानता है? समानता तो नहीं है क्योंकि मात्राएं अलग हैं और उसमें रदीफ काफिया है गजल में, है ना, और बहर है और क्या नाम वजन है ना, उर्दू शायरी है। लेकिन दोहे हिंदी में लिखे जा सकते हैं ये पक्का है क्योंकि बिहारी ने तो संस्कृत में भी लिखे हैं, समझ रहे ना मेरी बात, संस्कृत से आए हैं, हिंदी और संस्कृत टाइप की थी, मैं ये नहीं कहता संस्कृत में लिखे हैं लेकिन जो भाषा थी उनकी जो संस्कृत टाइप की थी ये तो मानेंगे ना, वो थोड़ी हिंदी बड़ी क्लिष्ट भाषा थी, तो क्लिष्ट भाषा थी, वो केशव ने भी वही उसी तरह का कुछ दोहे लिखे थे। हाँ लेकिन सादगी वाले जो दोहे हैं जी जैसे कबीर ने लिखे हैं सबकी ज़बान कबीर ने लिखे हैं, हाँ, रहीमदास जी ने, जी रहीमदास ने लिखे हैं बहुत, है ना। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि दोहे की तरफ आप कैसे मुड़े जबकि जब आप साहित्य पढ़ रहे थे तो दिमाग में कहानी भी आ सकती थी, दिमाग में वीर गजल भी आ सकती थी जो कि अब धीरे धीरे आ रही है, लघु कथा हाँ। तो आ रही है, कहानी उपन्यास वगैरह सब कुछ आ सकता था, कविताएं आजकल गद कविताएं जो आ रही हैं, अकविता जो बोलते हैं, ये प्रगतिशील कविता है, आप उसमें भी आ सकते थे दोहे में क्यों आए? दरअसल अगर मैं कहूं कि मैं दूसरों से प्रभावित हुआ हूं तो ये भी बात सही है, शुरू में मैंने कुछ दोहाकारों को पढ़ा और मुझे लगा कि मैं भी दोहे लिखूं, ये बात भी सही है। इसके अलावा दरअसल हम लोग मेहनत कश लोग हैं और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम कोई कहानी ले तो कम शब्दों में अपनी बात अभिव्यक्त करने के लिए मुझे सबसे बढ़िया माध्यम यही लगा, सबसे अच्छी विधा यही लगी। और मैं आपको बताऊं कि मैं कभी भी बैठ करके मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं और शुरू से नहीं लिखा मैंने, और मैं चलते फिरते जैसे मैं साइकिल से जा रहा हूँ या अपना काम कर रहा हूँ, खेतों में काम कर रहा हूँ तो वो कुछ लाइनें बन जाती हैं और वो फिर दोहे का आकार ले लेती है। वो प्रकृति रहती है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बैठूं और चिंतन करूं और मैं वो या उस पर कुछ शोध कर सकूं, ऐसा नहीं हो पाता है। तो जो मेरा जीवन है, मैं जो जी रहा हूँ मैं बस वही लिख रहा हूँ, मुझे ये पता नहीं है कि नहीं इसमें कितनी गहराई होगी या कुछ भी होगा, उथला है या गहरा है मैं नहीं जानता हूँ। तो मुझे तो लगता है मैं सीधी सपाट बात जो मेरा साथ घट रही है मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं वही लिखता रहता हूँ। यानी कि जो आप भोग रहे हैं और इसी तरह के बहुत इंसान भोग रहे हैं, कविता गजल दोहे कहानी साहित्य जो भी है, साहित्य का मतलब तब हो जाता है, उसका जब अर्थ निकलता है जब आप कोई चीज कह रहे हैं वो दूसरा भी ऐसा ही महसूस करे कि शायद मेरे लिए कह रहे हो, तो वो कविता में या दोहे में जो भी रचना है उसका वजन बढ़ जाता है, वो सार्थक है ना, वो सार्थक उसमें सार्थक है। बहुत जी 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 बहुत अच्छा आपने बताया। तो जी जी इसके बारे में, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि दोहे और भी बहुत लिख रहे हैं, क्या कुछ नाम आप बताएंगे कि कौन कौन आजकल अच्छा दोहे लिख रहे हैं आपकी नजर में? हाँ हाँ हाँ, मेरी समझ में अच्छे दोहे लिखे जा रहे हैं और कुछ नाम है मेरे पास, जैसे एक राम बाबू रस्तोगी जी हैं और जी। हाँ जय चक्रवर्ती हैं और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, एक रघुविंद्र यादव जी हैं हरियाणा से, इसी तरह से और भी तमाम नाम हैं और मैं अगर कुछ नाम छूट रहे हैं तो ये थोड़े मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो नहीं, हो जाता लोग है, अच्छे तो जी जी अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये दोहे का जो बहुत बड़ा प्रारूप है, यानी कि दोहे एक छोटी दो लाइनों की पंक्तियों में जो काम हो जाता है वो नहीं हो पाता है, तो मतलब मैं मानता हूँ
ऐसी गजल का भी एक यही मसला है, एक शेर भी जो है वो बहुत बड़ा काम कर जाता है, तो लौटेंगे वहां पे भी। अब आपसे मैं ये विनती करता हूँ जनाब कि आप लघु कथा कोई जो आपके लिखी हुई है वो जरा हमें सुनाइए, हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा आपको सुनते हुए, आपके आपका जो लघु कथा है। मैं एक लघु कथा हाँ एक पेश कर रहा हूँ, दही वाला उसका शीर्षक है। कस्बे की मुख्य सड़क से गांव को जोड़ने वाली पतली सड़क के तिराहे पर वह किसी तपस्वी की भांति खड़ा था। घनी छाया और स्वादिष्ट फल देने वाला वह इकलौता आम का पेड़ था। अपने खट्टे मीठे अद्भुत स्वाद के कारण ही दही वाला के नाम से मशहूर हो गया था। पैदल राहगीर हो या कोई साइकिल सवार, कुछ समय तक दही वाला के नीचे जरूर सुस्ताते आम खाकर पास के खेतों में चल रहे थे किसी दल को और काफी वर्षों बाद उस गांव जाना हो पाया था। उस तिराहे पर पहुंचते ही मुझे दिशा भ्रम सा हो गया, बाईं ओर लगे एक बोर्ड पर नजर पड़ी, दही वाला तिराहा। कुछ लोगों से कंफर्म किया, तसल्ली हुई। अब दही वाला पेड़ अतीत की धरोहर बन चुका था, इसका केवल नाम बाकी था। कस्बे को जाने वाली सड़क नेशनल हाईवे में तब्दील हो गई थी। सड़क के दोनों ओर काफी दुकानें बन गई थी जिसने एक छोटी सी बाजार का रूप ले लिया था। वह सारा क्षेत्र शहर की परिधि में समा चुका था। कुछ समय तक टहलने के बाद मैं एक ड्रिंक स्टॉल के पास जा बैठा। स्टॉल में ब्रांडेड मैंगो जूस के कुछ पैकेट रखे थे। मैंने एक पैकेट खरीद लिया। पैकेट पर ब्रांड का नाम छपा था, दही वाला। वाह क्या बात जी, बहुत ही बढ़िया। सुरेश भाई, तरक्की होनी चाहिए जी, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जो हमारे संस्कृति है, हाँ संस्कृति है, उसको खोते जा रहे हैं जी, जी, तो वो जी, जो दही वाला जो पैकेट पे आया है, यानी उसको एक बाजार दे दिया गया है और वो चीज जो पहली थी वो खत्म हो गई है। इसको आप कैसे मानते हैं? इसको आप मतलब आपने आपकी लघु कथा में तो आ ही गया है, आप तो जो मानते हैं वो तो पता लग ही गया है, लेकिन क्या ये अच्छा है? मतलब आप किसी को किसी धरोहर को तहस नहस करके आप तरक्की कर रहे हैं, क्या ये अच्छा है? मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इसका गया तो वो पेड़ नहीं। तो मैंने उसको ही लघु कथा के रूप में लिखा, और मेरे हिसाब से संस्कृति हो या पर्यावरण हो, इसको सहेजना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा इसका जो परिणाम होगा बहुत ही घातक होगा। तो मैं ये पूछ रहा था, थोड़ी आवाज आपकी कट गई थी, तो वो जो दही वाला जो पेड़ वो है झुका तू या कट गया हो? नहीं, अब नहीं है। और तभी मैंने ये, वो पूरा एक बगीचा था वहाँ पर, और वो दही वाला पेड़ हम लोग बचपन में जाते थे और बहुत ही स्वादिष्ट फल उसका होता था, तो मुझे मेरे मन में आया और मैंने उसको लग कहा था कि मैं उस दही वाला को मैं जीवित करूँ रचना के माध्यम से। यही तो रचनाकार की उपलब्धता है, यही तो रचनाकार का दायित्व भी है, मैं मानता हूँ, है ना जी। तो बहुत ही अच्छी लघु कथा आपने जो है, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक लघु कथा आपने सुनाई है, है ना जी। फिर लौटते हैं दोहे पर, लौटते हैं क्योंकि हमारे श्रोताओं को ना दोहे भी आपके सुनने हैं, है ना जी। आप एक एक करके सुनाइए। देखिएगा, इन्हें राज की कामना, इन्हें राज की कामना, उन्हें ताज की चाह, झोपड़ियों के दर्द की किसे यहाँ परवाह, झोपड़ियों के दर्द की किसे यहाँ परवाह। दीवारों पर है पड़ी छप्पर और पुआल, दीवारों पर है पड़ी छप्पर और पुआल, छत का सपना देखते माटी के गोपाल, छत का सपना देखते माटी के गोपाल।
रहा भरोसे वक्त के होता रहा निराश, रहा भरोसे वक्त के होता रहा निराश, कैंची उसके पास है कतरन अपने पास, कैंची कैंची उसके पास है कैंची उसके पास कतरन है। जी कतरन अपने पास, कतरन उसके अपने पास। क्या बात है, क्या लेखा जोखा, क्या वर्णन। चरण चढ़े गए जी 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 चरण चढ़े कुचले गए। हाँ चरण चढ़े चरण चढ़े कुचले गए हम श्रद्धा के फूल, चरण चढ़े कुचले गए हम श्रद्धा के फूल, बगुले में हंसा दिखा हुई वहीं पर भूल। ओ बगुले में हंसा दिखा हुई वहीं पर भूल। खींच रहा हूँ साइकिल जी, खींच रहा हूँ साइकिल, जोड़ रहा हूँ ख्वाब, जोड़ रहा हूँ ख्वाब, मैं भी कितना बावरा मेरा नहीं जवाब, मैं भी कितना बावरा मेरा नहीं जवाब। आपकी जो ये जो दोहा है ना साइकिल वाला जो है ना, दोबारा फिर सुनाइए इसको। खींच रहा हूँ साइकिल, जोड़ रहा हूँ ख्वाब, मैं भी कितना बावरा मेरा नहीं जवाब, मैं भी कितना बावरा मेरा नहीं जवाब। क्या आपकी मास्टरी से, आपकी साइकिल से, आपकी जिंदगी से, आपके व्यवहार से, आपके माहौल से, क्या ये दोहा जो है मिलता जुलता है? जी पूरी तरह से, पूरी तरह से। यानी आप जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसको व्यक्त कर रहे हैं, है ना, और बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त कर, आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म है दोहे का, दो लाइनों में लिख देते हैं चीज को, है ना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एक रचनाकार की, कि बहुत लोगों तक जाए जी और अपनी भावनाएं व्यक्त करें। तो देखिए मैं समझता हूं कि चिड़िया हैं, कोए हैं और पशु पक्षी हैं, बोल नहीं सकते, उनके पास भाषा नहीं है, है ना। आदमी हैं, बहुत संवेदनशील आदमी भी हैं, लेकिन वे लिख नहीं सकते, समझ रहे ना मेरी बात। आप अपना दर्द उनको बता रहे हैं, और वो जो दर्द है वो सभी का, लगभग सभी का नहीं कह सकते, बहुत लोगों का दर्द है, लेकिन जो और लोगों का भी दर्द है वो भी आप समाहित करते हैं। ये आपकी कलम की बहुत बहादुरी मैं मानता हूँ। और आप प्रभावित, मैंने जो दोहे आपके पढ़े हैं, मैंने देखा है कि अजूबे दोहे हैं, मतलब किसी से कोई प्रभाव मुझे नजर नहीं आता। और कभी कभी मेरी आपकी बात भी हुई है अंदर खाने, मैंने आपको बताया भी है कि मैंने आपको सुझाया भी होगा कि मैंने कहा कि आप ऐसे दोहे लिखिए जो बिल्कुल सबसे अलग है जी। आपने उसका परिपालन भी किया है ना जी। आपने वो चीजें लाई हैं जब जो साइकिल और ये क्या नाम खुरपा फावड़ा और ये क्या नाम जो जो छप्पर और पुआल और बैल और गाय, ये जो आप लाए हो, ये जो आप भुगत रहे हो और जो आप महसूस कर रहे हो वो लिख रहे हो। मैं ये मेरी आपकी बात भी हुई थी इसमें, है ना, कि किसी से प्रभावित नहीं होना है और अपन अपना ढंग से लिखना है, है ना। तो यही बात चल रही थी मुझे। हाँ कुछ मुझे श्रम भी तो नहीं करना पड़ता है, मैं जो महसूस रहा हूँ भुगत रहा हूँ मैं उसे लिख रहा हूँ। और ये जो सहजता है आपकी ना, ये आपके रचना में आ रही है, ये बड़ी बात है। देखिए आजकल क्या हो रहा है, वो ग्लैमर की बात आप कर रहे थे, दोबारा फिर ग्लैमर पे जा रहा हूँ। समस्या क्या हो रही है आजकल कि आप जो भुगत रहे वो ना लिख के किसी से प्रभावित होकर लिख रही है कि मैं भी उस जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन अपना ग्लैमर अपने पास होना चाहिए, आपका ग्लैमर आपकी माटी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी जी हाँ बिल्कुल। तो जी तो अभी कोई गीत है आपका, कोई आप कह रहे थे कि मैं गीत भी लिखता हूँ, कोई बाल कविता हो, बाल गीत हो आपके पास उपलब्ध हो तो बताइए। हाँ एक बाल कविता थी और वो बहुत मेरे शुरुआती दिनों की, शायद आपको पसंद आए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किशोर अवस्था में लिखा था उसको, और प्रॉपर याद है मुझे आपके? हाँ मुझे आज भी पसंद है वो है, और मैंने उसको शायद 16-17 साल की उम्र में लिखा था। अरे वाह
और वो दैनिक आज आज समाचार पत्र में छपी थी। बहुत बढ़िया, तो बहुत ही बढ़िया। आप मुझे याद भी है, हाँ वो मुझे याद भी है, शायद उसमें कुछ कमियां भी हो और उनको आप नजर नहीं, आप सुनाइए। क्योंकि स्वागत स्वागत सुनाइए। सूरज के संग खेल खेलती इठलाती सी सर्दी आई, सूरज के संग खेल खेलती इठलाती सी सर्दी आई, बड़े दिनों के बाद मायके जैसे बिटिया वापस आई, बड़े दिनों के बाद मायके जैसे बिटिया वापस आई, जाड़े के मौसम में दिखता रूप गगन का बड़ा सलोना, चांद के घर में ठंडी खीर खाएं तारे भर भर दोना, जाड़े के मौसम में दिखता रूप गगन का बड़ा सलोना, चांद के घर में ठंडी खीर खाएं तारे भर भर दोना, धूप लगे या बड़ी ही प्यारी बड़ी अनोखी बड़ी निराली, बांट रहा हो जैसे सूरज सबको गर्म चाय की प्याली। क्या बात है, बांट रहा हो जैसे सूरज सबको गर्म चाय की प्याली, बंद पड़े हैं हीटर पंखे कूलर पंखे, बंद पड़े हैं कूलर पंखे, हीटर चलने की बारी आई, संदूकों से निकल पड़े हैं स्वेटर कंबल और रजाई, संदूकों से निकल पड़े हैं स्वेटर कंबल और रजाई, सूरज के संग खेल खेलती इठलाती सी सर्दी आई, बड़े दिनों के बाद मायके जैसे बिटिया वापस आई। कुछ और भी लाइनें थी और मुझे वो याद नहीं है, लेकिन जो भी है उस समय मुझे तुक केवल इतना ज्ञान था कि कविता में तुक होता है, तो मैं तुक जोड़ करके वो मैंने ये लिखा था और उन लोगों ने छाप भी दिया था। मुझे बहुत पसंद है। सुरेश भाई, मैं आपको एक निवेदन और भी करना चाहता हूँ कि आप बाल कविताएं अच्छी लिख सकते हैं, आप में वो गर्व है कि आप बाल कविताएं लिख सकते हैं। हाँ, बालकों के लिए बहुत कम काम हो रहा है, आप इस पर भी काम कर सकते हैं। मैं मैंने शुरुआत बाल कविता से ही किया। मैं बाल कविताएं ही शुरू में मैं लिखता था और वो प्रकाशित भी हुई, और क्योंकि उस समय मैं साहित्यकार नहीं मानता था अपने आप को, मैं वही ग्लैमर वाली बात थी, तो मैं चाहता था कि कहीं न कहीं मैं छपूं, मेरा नाम आए लोग जाने, तो वो बच्चों का एक पेज होता था, तो बच्चों के पेज में ही मैं भी बच्चा ही था, 15-16 साल की उम्र थी, तो मैं उस पर भेजता था और उनको अच्छा लगता था, वो छप जाती थी इसमें, तो शुरुआत बाल कविताओं से ही। बहुत ही बढ़िया, और इसको शुरुआत ना मान, शुरुआत तो हो गई आपकी, लेकिन इसको आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, है ना जी, हाँ हाँ, इसको कंटिन्यू रखिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे क्योंकि मैं बच्चों के बीच रहता हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बच्चों के लिए लिखूं, बच्चों के लिए और है ना। हाँ, मैं जो देख रहा हूँ कुछ बच्चों के लिए उपयोगी भी हो, शिक्षाप्रद हो, और हाँ लेकिन उसमें एक सहजता हो ताकि बच्चे उसको ग्रहण कर सके। बहुत ही खूब कहा आपने। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सुरेश भाई कि जो है आपके प्रेरणा स्रोत, आप तो मुझे बताया था कि मेरे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं प्रेमचंद और ओशो। हाँ, ओशो को पढ़ा है। पढ़ा क्या है मुझे, दरअसल बात ये रही कि मुझे, मैंने आपको शुरू में बताया कि जो मुझे उपलब्ध हुआ, और तो मैंने इनको पढ़ा, और मैं नीरज के क्या कहते हैं प्रेमचंद की किताबें मुझे काफी मिली उस रद्दी वाले की दुकान से, और ओशो की पत्रिकाएं मिल गई, तो ओशो की पत्रिकाएं मैंने टीन एज में पढ़ी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो एक तरह से देखा जाए तो वहीं से पढ़ने की शुरुआत जो हुई थी वहीं से हुई थी, तो मैंने उनको अपना प्रेरणा स्रोत जी। आपने किसानी करी, खेती किसानी कर रहे हो जी, ठीक है, एक मध्यम वर्ग किसान जी, जिसके पास देखिए खेत में आप 3 या 4 बीघे का किसान, वो किसान नहीं होता मेरे हिसाब से, आज के दौर में तो नहीं होता भैया, नहीं ना? किसान नहीं होता, हम उसको खेतिहर मजदूर की श्रेणी में, खेतिहर मजदूर कह सकते हैं जी जी। अब जब फसल कटेगी तो खुद काटना पड़ेगा, अगर आप मजदूरी पे कटवाएंगे तो आपके पास बचेगा नहीं, ट्रैक्टर आप नहीं ले सकते,
ट्यूबवेल आप नहीं लगा सकते क्योंकि जमीन ज्यादा चाहिए उसमें, है ना। एक ये बहुत छोटा सा व्यवसाय आपने किया है, अपने बच्चे को पाल रहे हैं और साथ में साहित्य रख रहे हैं और साथ में मास्टरी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप साहित्य रख रहे हैं जी। क्या आपको आपको नहीं लगता कि आज का जो दौर है बड़ा फास्ट है और बहुत लोग पलायन कर चुके हैं कि तीन जगह के लिए क्या रहना है, मास्टरी में इसमें क्या करना है, थोड़ी फैक्ट्री में जाया जाए, आगे बढ़ा जाए, तरक्की करी जाए, या आपको ऐसा लगता है कि अपने घर परिवार गांव और संस्कृति को ना छोड़ते हुए आगे बढ़ा जाए, इसमें जो दो रूप है मतलब दो स्तर है उसमें आपको कौन सा स्तर अच्छा लग रहा है? वो तो मुझे लग रहा है कि आपको ये स्तर अच्छा लग रहा है कि एक स्तर वो भी तो है जो लोग सोच रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। दरअसल हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा पूरा हो और जीवन में तरक्की करे, उसके आने वाली पीढ़ी सुख सुविधाओं से लैस रहे। लेकिन एक अपने अंदर एक ये भी चीज होती है कि अपना एक संस्कृति है, अपना एक परिवेश है, तो व्यक्ति उनसे भी जुड़ा रहना चाहता है। और मेरे हिसाब से अपना परिवेश, अपनी संस्कृति और जो अपना घर है वो छोड़ना एक असहनीय होता है। तो अच्छा जी, बहुत बहुत ही अच्छा आप बता रहे हैं। और मैं ये भी पूछना चाह रहा था सुरेश भाई कि आप तो, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि खेती बाड़ी है, पशु है, उसके बाद में साइकिल से जाना है, फिर आना है, फिर ट्यूशन पढ़ाना है, बहुत कुछ आपको करना पड़ता है। उसके बाद में धीरे धीरे जो भी आपके उसमें आता है मतलब नॉलेज में आता है वो उसे आप लिखते हैं। तो क्या सुविधा संपन्न एक साहित्य जगत में नहीं होनी चाहिए? जैसे कि बाहर की जो सरकारें हैं वो तो बहुत लाइब्रेरी वगैरह बना देती हैं और यहाँ पे भी बहुत कम है साहित्य का प्रचार प्रसार। क्या हम जैसे लोगों के लिए जो कह सकते हैं कि बहुत गांव देहात में रहते हैं और ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा अभाव में रहते हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि उनको किताबों की कमी ना रहे और वो कुछ और अच्छा रख सके और आगे बढ़ सके? क्या आपको नहीं लगता सरकार को इस तरफ देखना चाहिए, सामाजिक संगठनों को इस तरफ देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए और प्रयास इस तरह के होते भी हैं, लेकिन क्या कहा जाए कि व्यवस्था अभी पुस्तकालय हमारे क्षेत्र में भी एक अभी पुस्तकालय एक अभी राष्ट्रपति महोदय ने उसका उद्घाटन किया है, कुछ शायद दो तीन साल पहले हुआ। वही मुश्किल से लोगों में साहित्य पढ़ना नहीं चाहते हैं या वो साहित्य नहीं रचा जा रहा है जो लोगों को चाहिए, कुछ समझ नहीं आता है। वो पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ राष्ट्रपति महोदय ने उसका, रामनाथ कोविंद जी ने उद्घाटन किया और मुश्किल से वो एक महीने या दो महीने के लिए खुला, इसके बाद उसमें ताला के आज तक ताला लगा हुआ है। कम से कम मैं एक बार गया था वहाँ पर तो उन्होंने बताया, जो भी लाइब्रेरियन थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर करीब 5000 किताबें यहाँ पर हैं उपलब्ध हैं। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तो एक बहुत ही सुखद बात है। कहा अभी सदस्य बनी है, इसके एक महीने बाद मैं गया तो ये पता चला कि वो ताला लगा हुआ है, वो आज तक खुला नहीं। तो एक ये हमारी जी हमारी हिंदी पट्टी या हमारा जो कहिए कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जी लगता है कभी तो कभी। अब ये यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो अब ये व्यवस्था को दोष दिया जाए या लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, आखिर क्यों ऐसा क्या हुआ, तो कुछ ये चीजें थोड़ा सा समझ नहीं आती, समझ नहीं आती जी। सुरेश भाई दोबारा फिर हम लौटते हैं जी, दोहे पर लौटते हैं जी, है ना। कुछ दोहे मेरे पास भी आपके हैं। हाँ। मैं आखिर तुमसे रक्त का जुड़ा हुआ है नहीं, आखिर तुमसे रक्त का जुड़ा हुआ है नहीं, कहो सहोदर किस लिए करते हो संदेह।
आखिर तुमसे रक्त का जुड़ा हुआ है ने, कहो सहोदर किस लिए करते हो संदेह। कुछ तेरी मजबूरियां कुछ मेरा अभिमान, कुछ तेरी मजबूरियां कुछ मेरा अभिमान, रिश्तों ने पहना नहीं चाहत का परिधान। थोड़ा सपनों के लिए थोड़ा अपना हेतु, संवादों से जोड़िए संबंधों का सेतु। सादा सा इंसान हूँ ज्यादा नहीं शऊर, सादा सा इंसान हूँ ज्यादा नहीं शऊर, दुनियादारी का नमक मुझमें नहीं हजूर। तो दुनियादारी का जो नमक है वो आप में नहीं है जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। तो दुनियादारी का जो नमक है वो कैसा नमक है जो आप में नहीं? तमाम चीजें होती हैं जिनसे आप व्यवहारी कहलाते हैं जी जी, तो वो आपने नहीं है जो, हाँ मैं महसूस करता हूँ और मुझ में होना चाहिए, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन वो मुझ में नहीं है, नहीं आ पा रहे हैं। और कई बार लगा कि मैं यहीं पर फेल हूँ लेकिन नहीं, ठीक है सर, और मैंने उनको स्वीकार कर लिया है, नहीं मैं उसको कभी भी नहीं मानता जी। देखिए ये आपने आपसे अपने से जोड़ा है, लेकिन अगर एक अच्छा इंसान जी से भी इसको जोड़ा जाए तो वो बिल्कुल सही देखता है, आपका जो दुआ है बिल्कुल सही देखता है जी। इसमें कोई आप अपने से जोड़ रहे हैं, अलग बात है कि आपने लिखा है सरते सुखाए वाली बात है, लेकिन ये तो बहुत सब लोगों से जुड़ रहा है। दुनियादारी का वाकई नमक जो अच्छा करना चाहते हैं कुछ, तो वो उनको लगता है वाकई उस नमक के लायक नहीं है। दुनियादारी का नमक जो है वो तो देखिए, दुनियादारी का नमक तो आप खा ही रहे हैं लेकिन वो अलग ढंग से खा रहे हैं, मतलब आप उन जैसा नहीं बन रहे हैं लेकिन कर तो रहे हैं, अपने बच्चे को पाल रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये नमक ही तो है, दुनियादारी का नमक है ये। लेकिन वो नमक जो द्वेष भावना वाला नमक है, जो दो नंबर वाला नमक है, जो दूध का मतलब कहते हैं ना कि सफेद सफेद वाला मामला जो है, तो वो हर जगह काला काला है, दाल काली और कहना बादल जनता बहुत चीज काली है, तो उससे आप नहीं जुड़ते, लेकिन दुनियादारी में आप जरूर हैं, लेकिन ऐसे दुनियादारी में नहीं है जैसे लोग हैं और लोग हैं। तो ये आपने अपनी चीज को अपनी अपने विचार को अभिव्यक्त करा है, ये भी बहुत बड़ा जी जी बहुत बड़ा काम है जो आप कुछ नहीं, वो एक आत्म स्वीकृति है और उसको मैंने दोहे का रूप दे दिया। नहीं नहीं मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या पाटिल की एक मूवी आई थी भूमिका जी, वो श्याम बेनेगल ने उसको पिक्चराइज किया था, दे सकते हैं उसकी, तो वो जापान वगैरह में थी, तो उस टाइम डब करने की व्यवस्था नहीं थी, यानी आप डब की व्यवस्था थी लेकिन वो हिंदी और सभी भाषा में नहीं थी, वो अंग्रेजी में थी, और तो वो जापानी महिला थी, तो वो जो हिंदी में थी पहले तो मराठी और हिंदी इसमें थी, तो उसमें जो डब कर रहे थे तो वो देखा उन्होंने कि उन्होंने ये बोला कि एकदम बिल्कुल ऐसा खड़ी होके उसने कहा कि क्या नाम, अरे 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 सुनो सुनो, पूरे थिएटर में कहा उन्होंने कि ये तो मेरी कहानी है, यानी आप अगर आप देखिए फिल्म की ताकत और एक रचना की ताकत क्या होती है, उसमें व्यक्त होती है कि आप भाषा कोई भी बोलिए लेकिन जो विचार आ रहे थे जो देख रही थी उसमें लगा कि अरे ये तो मेरी कहानी है, तो वो कहानी मेरे ख्याल से अपने में मुकम्मल हो गई जी। तो आप भी जो लिख रहे हैं वो लोगों तक जा रही है, वो मुकम्मल ही है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा आपकी अभिरुचि में क्या क्या शामिल है? अभिरुचि तो मैं क्या कहूँ, मुझे संगीत सुनना भी पसंद है और हल्के फुल्के में संगीत सुनता हूँ मुझे, और बाकी मुझे ना तो गाने का ज्ञान है ना बजाने का, लेकिन सुनता हूँ। संगीत कौन सा संगीत? फिल्म संगीत। किस तरह का संगीत? तो पुराने गाने जी जी जी, पुराने गाने और कुछ गजलें और अच्छा अच्छा तो वो आपको पसंद है ना? फिल्में देखना। अच्छा फिल्में देखना भी, किस तरह की? यथार्थवादी सिनेमा जो है वो है भिल्कुल, या भिल्कुल, भिल्कुल। ये क्या नाम, यथार्थवाद से जो अलग हटके जो सिनेमा है, जैसे कि मतलब
पॉपुलर सिनेमा बोल सकते हैं उसको, वो सिनेमा है। और एक एक सिनेमा ये था जो ऋषि दा वगैरह बना रहे थे मूवी, जो वो सिनेमा कौन सा? हाँ, मुझे जो आपने यथार्थ की बात की, यथार्थ और एक ये इसको कॉमर्शियल बोलते हैं, इनके बीच का भी एक रहा है, तो वो भी मुझे पसंद रहा है। और बात रही कला फिल्मों की, कला फिल्में भी मुझे अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, कला कला फिल्में जी। अरे बहुत अच्छा, ये तो आपके स्वभाव से जुड़ रहा है जी। तो अच्छा, एक साहित्यकार होने के नाते आप कैसा महसूस करते हैं, मतलब दुनियादारी में रह के भी आपको कैसा लगता है आपको कि आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, और आपको कैसी भावना आती है कि मैं साहित्य जुड़ा हुआ हूँ? मैं अपने कैसे व्यक्त करेंगे? मैं साहित्य से जुड़ा हूँ तो मैं, मुझे ये नहीं लगता है कि मैं औरों से अलग हूँ कभी। अब नहीं औरों जैसे ही शुरू में लगता था कि अरे मैं तो साहित्य मैं कवि हूँ और हाँ ये सामान्य लोग हैं। लेकिन अब जैसा कि जैसे मैच्योरिटी आ रही है तो मुझे ये नहीं लगता है कि मैं औरों से अलग हूँ, मैं भी औरों के जैसा ही हूँ, या कहूँ तो औरों से भी कमतर हूँ। अब ऐसा महसूस होता है। नहीं ना, आप औरों से तो कमतर नहीं है, लेकिन औरों जैसे हैं ये अच्छी बात है। अपने में ये अभिमान पाल लेना कि हम कवि हैं, ये बहुत गलत बात। ये भावना तो बिल्कुल मन में छू भी नहीं गई है, और अब इस समय तो बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे खुद को प्रमोट करना, और जैसा कि और लोग भी कर रहे हैं कि बार बार अपने को प्रमोट कर रहे हैं, बार बार अपने नाम के आगे कवि या साहित्यकार या कोई उपनाम लगाना, ये बहुत ही मुझे एक तरह का उथलापन लगता है, और मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं होगा, जैसे कि हम इस अपने प्लेटफॉर्म पे हैं और जी, बहुत बड़ा प्रचार प्रसार भी हो तो एक सलीके के साथ जी। हाँ, तो वो हम जो अगर हम समाज में नहीं लाना चाहेंगे आपको, मतलब देखिए आप पत्रिकाएं क्यों बनी थी और मीडिया क्यों बना है, और ये है ना, आना भी चाहिए, लेकिन वो इस तरह से नहीं आना चाहिए जिस तरह से आजकल आ रहा है, यही कारण जैसा कि आजकल आ रहा है। प्रसार प्रसार भी तो थोड़ा उसकी एक सार्थकता हो, और एक एक सलीके के साथ पेश किया। अच्छा अच्छा, आजकल जो लिखा जा रहा है उससे अवगत हैं आप हिंदी साहित्य में? हाँ, मैं जैसा कि देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, किताबें नहीं पढ़ता हूँ और समय नहीं मिलता किताबें पढ़ने, ये सोशल मीडिया पर ही जो उपलब्ध है, बड़े लेखक भी हैं, छोटे लेखक भी, मध्यम भी हैं, सब लोग हैं, और सभी लोग कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ, सभी को पढ़ता हूँ। अच्छा, ये जो आजकल फेसबुक वगैरह आया है, इसको आप कैसा मानते हैं, मतलब ये साहित्य के लिए, कला के लिए मतलब एक जुगाली वाला काम है, या इसमें कुछ अच्छा भी आ रहा है? मेरे हिसाब से अच्छा भी है, और अगर देखा जाए तो उसका एक सही उपयोग किया जाए तो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है फेसबुक। और मैं जब से फेसबुक से जुड़ा हूँ, मुझे ये नहीं लगा कि मैं छोड़ दूँ, और ये वाहियात है या गलत है, मेरे हिसाब से ठीक है, और अपनी बात कहने का भरपूर तुरंत मौका मिलता है, आप तुरंत उसको प्रकाशित कर सकते हैं, सार्वजनिक कर सकते हैं, उसमें प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती, और जो क्या कहते हैं कि अगर संभावना है आपका लिखा हुआ अच्छा है तो जरूर उस पर अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है, और उस पर एक विमर्श भी होता है लोग। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन समय की अपनी प्रेरणा होती है और उसको मानना भी चाहिए, है ना जी। तो वक्त तो बहुत बड़ी चीज होती है, वक्त का एहतराम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दो ये बहुत अच्छा, मैंने भी इसको फेसबुक पर देखा था, और ये बहुत अच्छा दोहा आपका है, इसको सुनाइए जरा। मुझसे माचिस ले गया वो मेरा हमनाम, आग लगा कर खो गया मुझे किया बदनाम। एक बार और सुनाइए। मुझसे माचिस ले गया
वो मेरा हम नाम आग लगा कर खो गया, मुझे किया बदनाम। आग लगा कर खो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश यादव जी।